हमें अर्निंग पे जाना है, अर्निंग पे जाने के बाद हम विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, विड्रॉ का क्लिक करने के बाद हमको ये ऑप्शन देता है, ये एक सेकेंड, यहाँ पे हमसे पूछेगा ये कितने डॉलर विड्रॉ करने हैं, तो मैं यहाँ पे 367 डाल देता हूँ भैया, 367। यहाँ $5 विड्रॉल फीस कटती है, आप 300 करें, 3000 करें, 30 करें, जब भी ये 5 ही काटेगा। सेलेक्ट नेटवर्क में करूंगा BP20, और इसमें से ये आपको पता होना चाहिए कि आपका BP20 का एड्रेस कौन सा है, तो BP20 का ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस है, मैं इस पे इसको सेंड करूँ, ये मुझे पता है, आपको चेक कर लेना है BP20 का एड्रेस है, तो BP20 का ही एड्रेस आपको देना पड़ेगा, और मैं इसको विड्रॉ करूंगा। विड्रॉ करने के बाद में ये डबल चेक बोलता है कि भाई चेक कर लो सही तो एड्रेस है ना सारी चीजें, क्योंकि ये बोलता है कि अगर गलत एड्रेस पे चला गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। डबल चेक मैंने कर लिया है, ठीक है भाई चलो, और हम इसको विड्रॉ करते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 2FA की, कुछ लोगों के सामने अगर ये आ भी जाता है तो इसको आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। डिसेबल करने के लिए एक बार आपको सेंड कोड पे क्लिक करना है, सेंड कोड पे क्लिक करने के बाद आपकी मेल पे एक OTP जाती है, जो मैं भी कर देता हूँ आपके सामने। सर बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं नहीं सर, कंटिन्यू करें, मजा आ रहा है। ये जो सेशन है ये जरूरी है सर, ये बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ेगी, इवन हर किसी को जरूरत पड़ेगी। तो मैं विड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पे मैं मेल आईडी पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक OTP यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। ओके, ये मैं डाल देता हूँ। भाई हमारी तो नजर और कमजोर होगी लगता है। और दूसरा हमें डालना होता है हमारा गूगल ऑथेंटिकेटर का, जो आपने सेटअप किया हुआ कई बार उसको ताजा करवाता रहता है, वो डालना है 383 869। ओके कंफर्म कर दिया सर, हो जाएगा। तो ये हो गया एनेबल, इसको हम एक बार आई थिंक करके देखते हैं, अगर ये नहीं मांगेगा तो, नहीं तो मुझे लगता है एक बार दोबारा करना पड़ेगा। टाइम ऑफ हो गया था उसका, जस्ट मैं यहाँ पे 367 डाल देता हूँ, BP20 चेंज किया, ये कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, विड्रॉ कर रहा हूँ, डबल चेक कर लिया मैंने और विड्रॉ कर दिया। अब देखिए हो गया है, अब लास्ट ये आपको एक बार वहां पे 2FA सेट किया है, एक बार ये विड्रॉल के लिए मांग रहा है, तो मैंने सेंड फिर से किया, मेरी सक्सेसफुल मेल आईडी पे ये मेल चला गया है। तो एक बार और देख लेते हैं भैया, जैसे ही मैं मेल आईडी का OTP डालूंगा ये मालूम है ये सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को मैसेज आ चुका है मेरी मेल आईडी पे, और मैं इसको 795 ऐसा क्या यार, ये तो चलो ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हैं मेरी स्क्रीन पे है ना सर, बहुत गौर से देखते हैं हम। अच्छा, 666। ओके चलिए धन्यवाद आपका, इसीलिए लगा दिया सर कोड आपने, बिल्कुल सही डाल दिया सर। अब मैं आपको इसका दूसरा एक कोड डाल देता हूँ जो गूगल ऑथेंटिकेटर पे आता है, 513 467 बाय एंटर कर दिया। देखिए सर ये सक्सेस हो गया है, ये सक्सेसफुली क्लोज हो गया है यहाँ से, और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। आप देखिए वो यहाँ से चला गया है, समझ में आया, और ये मैसेज हमारी मेल पे आ जाता है, ठीक है। तो चलिए ये तो हमारा विड्रॉल हो गया, ये अब सीधा वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अब हमें ULX को विड्रॉ करना है, ULX को विड्रॉ करने के लिए मैं आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन और जरूर शेयर करना चाहूंगा इसी के साथ साथ। ये मैंने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया था, इसमें अगर ये शेयर हो जाता है तो पहली बात तो मुझे वाईफाई ऑन करना पड़ेगा इसी का। थोड़ा सा टाइम लूंगा सर, जस्ट एक मिनट, ये वाईफाई अगर काम कर जाएगा तो आपको ना लाइव में मोबाइल पे भी दिखाता रहूंगा सारी चीजें, क्योंकि मेटा मास्क से जोड़ रखा है मैंने, ये कनेक्ट हो गया है भाई। तो मैं अब इसमें मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा था, ये वाला, मैं इसको सेटअप कर लेता हूं बस। पिन कोड डाल लेता हूं 2BD4।
ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है, देखिए है ना, दिख रहा है मोबाइल का स्क्रीन? यस। चलिए भैया इस तरीके से रिस्पोंड करते रहे मेरे को। अच्छा हम कहाँ थे? हम यहाँ पे थे। अब मैं यहाँ पे माई हब्स में आता हूँ जहां पे हमारे सारे कॉइन्स वगैरह दिखते हैं भाई, ठीक है। ये हमारा कॉइन, ये मैंने ऑटो स्टैक ऑफ करना, ये सिर्फ इसलिए बना के रखा है ये आईडी क्योंकि मैं विड्रॉल दिखा सकूं। यहाँ पे ये मेरे कॉइन है, मैं इनको विड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मुझे विड्रॉल करना है, कितने कॉइन है? 396। 396 मैं विड्रॉल करता हूँ और एड्रेस चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को पता है ये मेरा मेटामास्क का एड्रेस है, ये पता होना चाहिए। एड्रेस डालने में आप भूल ना करें गलती से भी। 396 में डाल रहा हूँ। यहाँ पे 9.9 यूएक्स काट रहा क्योंकि 2.5% कर दिया कंपनी ने, क्योंकि लोग रोज विड्रॉल लगाते हैं, अगर दो करते हैं तो एक काटेगा। और अब यहाँ पे आपको सेंड कोड करना है। सेंड कोड करेंगे तो आपको एक मेल फिर से जाएगा आपकी उस पे मेल आईडी पे, मैं वो डाल देता हूं। यहाँ पे आ गया है 387 कॉइन यूएक्स विड्रॉ हो रहे हैं, उसकी ओटीपी अब तो सही डाल रहा हूं, 183 63 75। अब 2FA डाल देता हूं मैं। याद रखे 2FA डालते समय ध्यान रहे आपको, 2FA तब डालना है जब वो घड़ी शुरू हो, 002, और ये थोड़ा फास्ट डालना है 859, खत्म होने पे आया तो रुक जाए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे ये सक्सेस हो गया है, यहाँ से वो चला गया, डिडक्ट हो गया है, समझ आया? अब मैं इसको चेक कर सकता हूँ मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। देखिए ये मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया, ये ulxscan.com है जिस साइट पे हम है, तो ERC20 के ERC ट्रांजेक्शन पे हम आते हैं। तो देखिए 386 ये कट चुके हैं, ये मेरी गैस फीस कटी है, फीस कटी है, ये 386 ulx मेरे यहाँ से विड्रॉ हुए जो मुझे मिलेंगे मेटामास्क पे। अब यहां से कट गए, अब मैं इसको देखता हूं मेटामास्क पे। अब ये मैं मोबाइल की स्क्रीन चालू करता हूं आपके सामने। भाई यहां पे मेटामास्क, ये मोबाइल पे ओपन होने में टाइम लगता है सर, ये मेटामास्क की प्रॉब्लम भी है, मेटामास्क थोड़ा स्लो ही ओपन होगा। मेटामास्क कभी-कभी तो होता ही नहीं है मोबाइल पे, ये नहीं नहीं मोबाइल पे हो जाता है लेकिन ये टाइम लेता है, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है ये। ये इथेरियम का भैया, इसकी स्पीड स्लो है। दोबारा करता हूं, अरे यार वो तो मैंने हटा दिया क्या, अब तुझे क्या हो गया बे? भाई ये हो तो गया, चलो देखो मान जाएगा तो। मेटामास्क ओपन करता हूं, हो तो जाएगा शायद। ये अपने ना मोबाइल के कनेक्शन की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है ये हमारे मोबाइल की प्रॉब्लम होती है असल में, ये मेटामास्क की प्रॉब्लम होती है ना, इसमें डाटा की दिक्कत है ना कुछ, डाटा एकदम ओके है। हाँ अब खुली है इसकी आंखें, अब हम इसको BFIC वॉलेट से मैं कर देता हूँ इसको
अल्ट्रॉन, अल्ट्रॉन मैंडेट यहाँ पे जैसे हम कर लेंगे, हमें हमारा अकाउंट पहला देखना है इसमें, एक नंबर का अकाउंट है जो, ठीक है, ये मेरा जो अकाउंट है सर, ये पहला वॉलेट है, ये 610 वाला एड्रेस वहां पे सेलेक्ट किया था हमने, याद हो तो आपको। ये जो है अब इसको हम थोड़ा सा बैक करें, यहाँ जो एड्रेस है मेरा वो 610 पे गया है ये ट्रांजेक्शन, देखिए 610 दिखा रहा है ना सर, हाँ ये 610 पे जाएगा, ये जो एड्रेस है पूरा 610 दिखाएगा इसमें, लास्ट में देखिए 610। और मेरा जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ये 610 ही लास्ट में लिखा हुआ, इस पे वो कॉइन आया देखो नीचे 386.01 आ गया। अच्छा अब यहाँ पे मैं एक चीज और करूंगा आपको, अब यहाँ पे आपके सामने मैं जैसे आपको ओपन करना है अल्ट्रॉन स्वैप, अल्ट्रॉन स्वैप पे लेके चलूंगा। अरे अल्ट्रॉन स्वैप कहाँ है भैया, अल्ट्रॉन स्वैप आ नीचे आ गया, थोड़ा सा बने रहे भैया, आपका जो सीनियर है ना थोड़ा सा स्लो है लेकिन काम का है जी। ये हमारी सारी कॉइन मार्केट के वगैरह सारा डाटा यहाँ पे दिखता है, टोटल वैल्यू लॉक वगैरह सब, अल्ट्रॉन स्वैप पे जो 90 मिलियन हो गया, 9 मिलियन डॉलर का व्यापार लॉक हो चुका है अल्ट्रॉन स्वैप पे। यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं, ये अल्ट्रॉन स्वैप का मेरे से कनेक्ट हुआ पड़ा है, मैं इसको दोबारा एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करूंगा, डिस्कनेक्ट किया अब दोबारा कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट वॉलेट, यहाँ पे आपको स्कैन करना है, अब इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है भाई, हो गया, शुक्र है भाई कनेक्ट हो गया सर, ठीक है। अरे लुकमान जी बोलते रहे धीरे धीरे, जी सर जी, हाँ बस धन्यवाद। अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो मेरा फंड है, मैं इसको अब ये देखो ये WUL ULX यहाँ पे मुझे चेंज करना है, मुझे चेंज करना है ऐसे मैक्सिमम की, या फिर चेंज नहीं भी कर सकते आप, इसको चेंज करें ना करें, आप स्वैप पे जाएंगे ना, स्वैप पे जाएंगे जब आप, तो आपको इस तरीके से दिखेगा ये। अब मैं अपने WULX को, ये WULX को USDT में चेंज कर सकता हूँ, ये देखिए ये 27.70 डॉलर का माल है लगभग, है ना। अब मैं इसको चेंज करूंगा तो इसमें मुझे स्वैप करना है 1.15 WULX लगेगा, ठीक है। अब इसको मैं कर रहा हूँ, अब देखिए मेरे मोबाइल में यहाँ पे वो आता है ऐसा कन्फर्म, अप्रूव यहाँ से करनी पड़ेगी मुझे, अप्रूव कर दिया, अप्रूव करने पर देखो यहाँ पे ये चल रहा है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक कन्फर्म और करना है आपको, देखिए एक कन्फर्मेशन और करना है, ये कर दिया, जैसे आपने ये किया तो आपके अल्ट्रॉन स्वैप पे ये सबमिट हो जाएगा, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, यहाँ पे आ जाएगा गुड, ठीक है। अच्छा अब ये जो है ना USDT, अब ये एक्चुअली में मैं आपको इसको दिखा देता हूं, ये अब जो फंड आपका है ये सक्सेसफुल हो गया USDT में, अभी समझ आ रहा है। अच्छा अब मुझे इसको ब्रिज पे जाना है, अब मुझे उसको बदलना है, मुझे यहाँ पे करना है BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन, मेरे पास यहाँ पे दूसरे मेटामास्क पे BSC भी मैंने वो किया हुआ है, और मैं यहाँ पे देखता हूँ WUSDT कितना है, यार हुआ नहीं इसका मतलब, अभी एक सेकंड स्वैप किया मैंने, स्वैप करने के बाद में मैंने मैक्स किया, अच्छा हुआ नहीं था ये ना, अच्छा स्वैप करूंगा दोबारा, इसको मैं अप्रूव कर देता हूँ और मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, ये गुड हो गया होना चाहिए भाई,
एक सेकंड में और करके देख लेता हूँ इसको। इसको मैं मैक्सिमम इसमें बदलता हूँ पहले। अच्छा इसको पहले एक बार ये करके देख लेते हैं कि WULX को इसमें करके देखते हैं कि UULX में आता है कि नहीं। हाँ अब ये इसमें आ गया है। अब हमारे पास जो है वो WULX नहीं है, अब हमारे पास क्या है ULX। अब ULX देखो ULX बन गया है ना। अब इसको मैक्स करना है और इसको बदलते हैं USDT में, शायद ये प्रोसीजर है। ओके वही क्या चक रहे लैपटॉप भी हैंग होने लग गया हमारा। ब्रिज किया है क्या आपने? ब्रिज अरे ब्रिज की जरूरत नहीं है ना, अभी इसको स्वैप करना है तो स्क्रीन नीचे की तरफ ला रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन नीचे की तरफ नहीं आ रही है भाई, क्या चक्कर है? नीचे नहीं आ रही तो सर ऊपर कर लो। अरे ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये ऊपर चली जाए तो हैंग हो गया लगता है सिस्टम। इसमें हो रहा है ये ट्रांजेक्शन अच्छे से। थोड़ा सा बने रहे, अभी इसको चेंज करके दिखाएंगे और मेटामास्क में आपको इसको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। अभी दोबारा WULX में किया है क्या सर? हाँ मैं इसको करना चाह रहा हूँ कि ये स्वैप में जा करके और इसमें हो जाता है, मैक्स करता हूँ, लेकिन यहाँ नीचे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है इसका। अब इसका जो ऑप्शन है, एक बार दोबारा मैं इसको ना इसको एक बार कैंसिल करके दोबारा ओपन करता हूँ। हेलो सर, थोड़ा सा बने रहे प्लीज सर। बाकी जो पेज खुले पड़े हैं वो हटा दीजिए। वही कर रहा हूँ सर, ये बहुत आसान है, मैं रोज करता हूँ इसको, लेकिन ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे मीटिंग होनी होती है ना, उस टाइम पे कुछ पता नहीं मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है कि मैं अक्सर अपने साथियों के। हाँ अब क्या हो गया भाई, शायद अब क्या सक्सेसफुल हो जाए। देखो भाई देखो हो जाए तो एक बार करके देखता हूँ इसको। अच्छा इसमें गाइस यू नीड 0.03 ओहो मोर ULX कंप्लीट दिस ट्रांजेक्शन। अच्छा ठीक है समझ में आ गया। यहाँ पे पूरा नहीं डालना है मुझे, यहाँ पे इसको कम डालना है थोड़ा सा। इसको पॉइंट हटा दो सारे। हाँ अब हो जाएगा सर, ये अब हो जाएगा, अब इसको स्वैप करूंगा। रवीन सर 387 कर लो ना, सब हटा दो पॉइंट लास्ट साइड से। अभी कर देंगे सर, देखिए ये हो गया शायद, देखिए कंफर्म कर देते हैं, ये हो गया। अरे मोबाइल में ध्यान नहीं दिया मैंने, मोबाइल में लिखा रहा था कि फीस लगेगी। हो जाता है कभी कभी कंफ्यूज, मोबाइल में ध्यान नहीं दिया। अब देखिए ये अब ये क्या हो गया, यूएसडीटी हो गया सर, है ना? अब सुनिए, अब इसमें जाना है ब्रिज पे। ब्रिज में हम आए,
हमने यहाँ पे फैंटम की जगह मुझे बाइनेंस इस्तेमाल, क्योंकि मैंने बाइनेंस का वो मैनेट लॉन्च कर रखा है वहां पे, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। देखिए इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, मेरे यहाँ पे जो है ना बाइनेंस का है और का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको कर रखा है, तो अब मैं इसको बाइनेंस में बदलूंगा। अब मेरे को यूएसडीटी बदलना है इसमें, ये यूएसडीटी है और इसको मुझे ब्रिज करना है, इसमें मैक्स करना है, मैक्स करना है और ब्रिज टोकन करना है। अब देखिए ये मुझे अप्रूव करनी कर दिया मैंने यहाँ पे, और एक बार कंफर्म और करवाएगा। वेटिंग फॉर ट्रांजेक्शन, ये सक्सेस हो गया है, और एक बार ये कंफर्म ये कर दिया सर। 27.8 के समथिंग ये आ रहा है टोटल। गुड, हो जाएगा, हो गया सर, हो गया डन। अब देखिए ये यहाँ से चला गया है। अब ये अब मैं कहाँ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, अब यहाँ आ जाइए आप। देखिए अब मैं उसको यहाँ पे बाइनेंस कर रहा हूँ, देखिए ये बाइनेंस कर दिया मैंने, बाइनेंस स्मार्ट चेन किया, ये कहाँ आ गया सर? बाइनेंस में आ गया। अच्छा, अब मैं इसको सेंड कर सकता हूँ कहाँ? इसमें मैं सेंड करूंगा इसको यहाँ से, और मैं इसको ले जाता हूँ बाइनेंस पे। अब आपके सामने लाइव मैं इसको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज ये सिस्टम इसलिए किया क्योंकि कई बार मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ लोगों को दिखता नहीं। तो मैं यहाँ पे गया, स्पोर्ट में गया, मुझे डिपॉजिट पे क्लिक किया, और यूएसडीटी का मुझे BEP20 नेटवर्क सेलेक्ट करना है। ये BEP20 का नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया मैंने, और अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने यहाँ पे, मैं इसमें सेंड कर रहा हूँ। सेंड करने के बाद मैंने अकाउंट को पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट किया, मैक्स कर दिया, और मैं इसको सेंड कर दूंगा। ये कुछ BNB रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, कोई माइनर सा। अब ये ट्रांजेक्शन हो गया है, अब ये यहाँ से सीधा, अब देखिए मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ 87, 21, ये सारे ट्रांजेक्शन इसी के हैं। ये यहाँ से चला गया सर, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, समझ में आया? अभी धीरे धीरे मुझे कहाँ देखना है इसको, इसको मुझे वेट करना है बाइनेंस पे, और ये बाइनेंस पे मैं आपको दिखा सकता हूँ इसको। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे आने में उसको, पर ये आ जाएगा। तो साथियों ये प्रोसीजर है, यानी हमें क्या करना होता है, हमारा वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है पहले। जैसे अभी यहाँ पे बाइनेंस कर रखा है मैंने, है ना, देखिए मैं इसको यहाँ से बदल सकता हूँ। बाइनेंस की जगह मैं इसको अभी कर दूंगा अल्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखिए अल्ट्रॉन हो जाएगा, हो गया अल्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये हमारे मेननेट को वहां पे कैसे सेट करना है पता है। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद में आप इसको जो ना चेंज कर ले, आपके पास होगा WULX, बात समझिए, यहाँ पे उसको चेंज करना है ULX में, ठीक है ना। फिर ULX जब हो जाए उसको स्वैप करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ULX फीस के तौर पर रखना है आपको, उसको मैक्स कर देंगे। जैसे यहाँ पे 0.01 है तो ये थोड़ा कम कर लेना, क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पे इतनी फीस चाहिए आपको ULX में, इतनी, ठीक है ना। तो ये कर लेंगे, उसके बाद में फिर जो है करने के बाद फिर आप ब्रिज पे आएंगे। ब्रिज में आप यहाँ पे अल्ट्रॉन रखेगा, यहाँ पे जिसमें चेंज करना है उसमें चेंज हो जाएगा, तुरंत आपका वो चला जाएगा। इस तरीके से ये चलाना है आपको। ये यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं, फार्मिंग इन सारी इन करेंसियों की कर सकते हैं हम, इनमें से जो है ना यहाँ पे सब दिखाएगा कि लोगों ने USDT भी फार्मिंग के तौर पर रखी है, WETH भी रखी है, WBTC भी रखा है, और इनको अर्निंग भी दिखाई देती है यहाँ पे। ये दिखा देगी आप इसको जब अपने उसमें अल्ट्रॉन सब के खोल के देखेंगे तो इसमें ये सारी चीजें दिखा देगा आपको। और अब मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ मेरा, यस सर, देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ वही USDT। बाइनेंस में आ जाता हूँ मैं, स्पॉट पे गया और डिपॉजिट पे मैंने क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे गया और मैंने ओवरव्यू पे करो सर, ओवरव्यू पे। देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये आ चुका है आप 26.91 में, कहाँ से, ये अभी का ट्रांजेक्शन है, जस्ट आप इसमें टाइम भी देख सकते हैं 21:17, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन है। अब ओवरव्यू में आप देख सकते हैं, ओवरव्यू में ये बढ़ गया बैलेंस, यहाँ पे 79 था अभी 106 हो गया, समझ आया। इस तरीके से ये सिस्टम है। सो माय डियर फ्रेंड, मुझे लगता है कि आज जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। यस सर, काफी चीजें क्लियर हुई हैं सर।
ये सेशन चाहता था मैं इतने दिनों से कि भाई हम विड्रॉल कैसे, यूएसडीटी का विड्रॉल तो सबको पता है, हमारा तो प्राइस भी बढ़ चुका, 7-1 हो गया क्या? Yes. 7186, अच्छा खासा प्राइस चला है, तो हम इसका मतलब हमारी डेफिलामा चेन पे चलते हैं, देखते हैं आज क्या कुछ नया है हमारे डेफिलामा पे, डेफिलामा चेन पे चलते हैं और चलने के बाद में हम देखते हैं कि आज हमारा क्या खबर है भैया। ओके, आज हमारी रैंकिंग जो है वो 16 जरूर है, लेकिन आज हमारा ओहो 198 मिलियन डॉलर, यानी 200 मिलियन डॉलर के जस्ट करीब। ये तो सर 31st मनाते मनाते हो जाएगा, है ना, 8.9, ये 9 मिलियन का समथिंग 189 यहाँ पे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चार्ट बढ़ रहा है सर, धीरे धीरे भी हाल्विंग होगी, नई कम्युनिटी आएगी मार्केट में, लोग स्कैम भी तो करेंगे सर, स्कैम करने के बाद में आएंगे कहाँ पे, अच्छे प्लान में, अच्छा प्लान कहाँ है, अच्छा प्लान यहाँ है सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा आज का एक वीडियो रहा आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों का